Welcome to math classes. Now, अब एक फॉर्मूला है फाइंडिंग क्यूब बाई ए क्यूब. किसी भी संख्या का आप क्यूब निकालना है तो बहुत आसान है. एक फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं मैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है. यू कैन फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब. दैट इज द ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. अब आप सोच रहे होंगे क्या ये फॉर्मूला या तो याद रखा जाए और नहीं तो आपको निकालने आना चाहिए. क्योंकि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आपको लगना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे अडॉप्ट होता है. तो a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज द, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. क्योंकि बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, एड हो जाएगा और फिर ए क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा. नाउ ए प्लस बी को रहने दिया हमने और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई ए टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस बी टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ ए क्यूब, टू ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर. बी से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी, टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. So, ये और ये एक जैसे हैं. सो दैट इज द थ्री, दो यहां था और वन वहां. सो थ्री ए स्क्वायर बी, ए बी और ए बी स्क्वायर यहां दिया हुआ था, दोनों मिलके हो गए थ्री ए बी स्क्वायर. सो ए क्यू एंड द लास्ट वन इज द बी क्यू. अब क्या किया मैंने, थ्री ए बी इसमें भी है और थ्री ए बी इसमें भी. सो मैंने कॉमन फैक्टर लिया ए थ्री ए बी. सो यहां ए स्क्वायर में से ए यहां आ गया और बी स्क्वायर से एक बी यहां आ गया. नाउ फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 14. इसी फॉर्मूला का यूज करके मैंने फॉर्मूला निकालना आपको सिखाया कि कैसे निकाला जा सकता है. याद करने की बहुत जरूरत नहीं है. आप अगर माइंडली मैथ तैयार करते हो तो उसको फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करनी चाहिए. सो 14 का क्यूब निकालना था, इट शुड बी रिटन एज 10 प्लस 4 होल टू द पावर 3. सो दैट इज द ए एंड दैट इज द बी. अब इसका फॉर्मेट शुरू हुआ यहां से 10 टू द पावर 3, एक है लिखा हुआ 10 टू द पावर 3 इंटू 3 ए बी, 3 इंटू ए की जगह 10, बी की जगह 4 प्लस ए प्लस बी 10 प्लस 4 एंड बी टू द पावर क्यूब. सो 4 टू द पावर 3. इट शुड बी 10 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 3 इंटू 4 12 इंटू 10 120, 10 प्लस 4 14 प्लस 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सो 12 120 और 14 का मल्टीप्लाई कर 14 इंटू 12 तो 14 इंटू 2 28, 2 14 वन जा 14 और 2 16. सो 10 शुड बी एडेड हियर दैट इज 64. अब इन तीनों को ऐड किए 4 0 0 4 6 8 14 0 4 1 6 7 एंड 1 1 2. सो आप किसी भी संख्या का आप a प्लस बी का होल क्यू के आधार पर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन करके उसका वैल्यूज निकाला जा सकता है. नाउ वंस अगेन कम हियर फॉर द फाइंडिंग द क्यूब ए माइनस बी क्यूब. अब ए माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको पता है तो उसके आधार पर बहुत सारे नंबर्स को क्या किया जा सकता है, उसके वैल्यूज निकाले जा सकते हैं, उसका क्यूब निकाला जा सकता है. हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल, यू कैन फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर यूजिंग द फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब. क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, प्रश्न उठता है कि इस फॉर्मूला को या तो याद रखा जाए और नहीं तो निकालने का सोचा जाए. सो हमने इसको निकालने के लिए आपको एक उसका मेथड यूज किया. ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना था, इसको लिखा जा सकता था ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. चूंकि बेस अगर दोनों का बराबर है तो पावर एड कर देंगे तो फिर हो जाएगा 3. यह मैंने एक्सपोनेंट के चैप्टर में हम लोगों ने सीखा. सो ए माइनस बी से पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. ठीक वैसे ही जैसा ए प्लस बी के केस में मैंने किया था. ए का मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए का मल्टीप्लाई किए ए क्यूब, ए से 2ab मल्टीप्लाई किए 2a स्क्वायर बी, ए से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी टू द पावर 3. बी और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो बी का पावर कितना हो जाएगा 3. कैसे, चूंकि बी इंटू बी स्क्वायर दैट इज द पावर 1, सो इट शुड बी एडेड. बेस बराबर है तो पावर को एड कर दिया गया. क्लियर. नाउ ए क्यूब
माइनस थ्री, अब टू ए बी यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस वाला है, दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया तो हो गया माइनस थ्री, ये प्लस है और ये भी प्लस, एक जैसे हैं, इसको ऐड कर दिया थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसमें क्या देख रहे थे, थ्री दोनों में था, ए दोनों में था, बी दोनों में था, सो थ्री ए बी शुड बी कॉमन, माइनस भी मैंने कॉमन लिया, सो ए क्यू जैसा है वैसा ही रहा और इसमें से थ्री ए और बी निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ स्क्वायर था लिखा हुआ, सो ए स्क्वायर से एक ए निकल गया, एक बी निकल गया, एक थ्री निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा केवल ए, यहाँ से थ्री ए निकल गया और एक बी, तो बच जाएगा बी, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, चूंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंटू इतना माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्लियर। सो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग किसी न किसी संख्या के क्यूब को निकालने में किया जा सकता है। सो 18 का क्यूब, वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ 18 बाय द फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यूब। 18 का क्यूब मतलब इसको लिखा जा सकता है 20 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा 18, सब्सट्रैक्ट किया तो 2, और इसका पावर कितना निकालना था हमको, पावर निकालना था 3। तो अब ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी का पावर 3, सो 20 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 20 माइनस 2 माइनस 2 का होल क्यूब। सो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है ना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 3 ऐड 3 जीरो है, इसके पीछे 3 जीरो लग गए, 3 टू जा 6, 2 जा 12, 120 इंटू 20 में से 2 घटेगा क्या होगा 18 और माइनस 2 टू द पावर 8। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसको घटा लेंगे, पहले किसका काम होता है, बॉड मास का यूज करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। सो 8000 माइनस 18 टू जा 36, 3 8 बन जाए 8, 3 21, सो 10 शुड बी एडेड माइनस 8, दोनों निगेटिव था इसलिए दोनों को एड करके लिखा मैंने माइनस 2168, क्लियर। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा कितना होगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2, 9 में से 6 घटेगा तो 3, 9 में से 1 जाएगा तो 8 एंड 7 में से 2 जाएगा तो 5, दैट शुड बी आंसर 5832, 5832। इस तरह से आप किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, क्यूब और उसका क्यूब्स निकाला जा सकता है। ओके, थैंक यू।